वेलकम टू शगुप्तास कुकिंग सेंट्रल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मसाला पीनट की रेसिपी। ये एकदम मस्त बनकर कुरकुरी, एकदम हमारी एकदम बाहर वाली पैकेट वाली मसाला सेंट से भी एकदम बढ़िया बनकर तैयार हो जाती है घर में, और एकदम घर के कम सामानों में बनकर तैयार हो जाती है। आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं महीने दो महीने के लिए एयर टाइट कंटेनर में, और इसे बनाना बहुत ही आसान है, और जितनी आसान है उतनी सुपर टेस्टी और सुपर क्रिस्पी और सुपर एकदम चटाकेदार मजेदार बनकर तैयार हो जाती है। चलिए आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना फीडबैक भी दीजिए। चलिए आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हम ले लेंगे एक बाउल में 3 चम्मच के करीब बेसन, साथ इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच के करीब चावल का आटा। एकदम करारे कुरकुरी हमारे पीनट बनकर तैयार हो जाएंगे। साथ ही इसमें ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक स्पून, हम ऐड कर देंगे टर्मरिक पाउडर, 1 चम्मच ऐड करेंगे चिली पाउडर। इन सारी चीजों को अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे, और यहाँ 1.5 कप के करीब यहाँ मैं ले रही हूँ पीनट। आप बड़ी या छोटी साइज कोई भी साइज के आप ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है। 1.5 प्याली मैंने यहाँ पीनट ली हूँ। अभी इन सारी चीजों को अच्छी तरह से हम पहले मिक्स कर लेंगे। अभी हमने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है, एकदम इसमें पानी के छींटे दे देने हैं हल्के से, डायरेक्ट से अपने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा पानी हम ऐड करेंगे इसमें और हमने इसे मिक्स करते जाना है। इस तरह की हमने सारी कोटिंग कर लेनी है। आपने बिल्कुल भी इसमें बहुत पतला बैटर वगैरह नहीं बनाना है, और जो हमारी कोटिंग हो गई है इसमें हल्के हल्के सेंग दिखने भी चाहिए, तभी ये एकदम बिल्कुल बाहर के जैसा लुक आएगा। इसको इसे फ्राई कर लेते हैं। अभी ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। अभी हम इसमें डाल देंगे थोड़े से, 2 बैच करके हमने इसे फ्राई करना है। इस तरह से हमने चॉपस्टिक ले लेनी है, या फिर आप कोई चम्मच वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फोक वगैरह का, और हमने इसे लूज कर देना है। हमने इसे अच्छी तरह से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। आपको लगेगा बस ज्यादा नहीं, थोड़ी सी फ्लेम को हाई कर देना है मीडियम से, और अच्छी तरह क्रिस्पी होने तक हमने फ्राई करना है। लगभग इसे 3 से 4 मिनट लग जाते हैं फ्राई करने के लिए। ये सच में एकदम बाहर वालों के जैसे, एकदम जैसे हम खाते हैं ना सेंग भुजिया, बिल्कुल उसी का ही टेस्ट है। आपने भी जरूर से ट्राई करना है। और हम इसे 2 से 3 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में। ये बिल्कुल भी नर्व नहीं पड़ेंगे, सौदी नहीं होगी बिल्कुल भी, और बहुत एकदम बढ़िया टेस्ट है। आप देख रहे हैं माशाल्लाह एकदम अच्छे गोल्डन, एकदम फ्राई भी हो चुके हैं, क्रिस्पी भी हो चुके हैं। अभी हम इसे निकाल देते हैं ऑयल से बाहर। देख रहे हैं हम माशाल्लाह कितना अच्छा कलर भी आ गया है, और बहुत ही मतलब टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी लग रहे हैं। और चले अभी इसे निकाल देते हैं, और बाकी के जो हमारे सेंग बच गए हैं हमने इसी तरह फ्राई कर लेने हैं। वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि अभी हमने कुछ चीजें और ऐड करनी है आगे। अभी हमने इसमें डाल देना है अपने कड़ी पत्ते। अभी हमने इसमें कुछ मसाले ऐड कर देने हैं। सबसे पहले हम ऐड करेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, इससे एकदम मसालेदार और एकदम टेस्टी बनकर तैयार होने वाले हैं। और इसमें ऐड करेंगे एकदम इसको चटपटा सा लुक देने के लिए, एकदम टेस्ट देने के लिए हमने इसको डाल देना है चाट मसाला। ये एकदम मस्त एकदम चटपटे लगने वाले हैं। साथ इसमें हम ऐड करेंगे फ्राई किया हुआ कड़ी पत्ता, लग रहे ना एकदम बाहर के जैसे। हमने इसको एक बार शेक कर देना है। हमारी मसाला पीनट बनकर रेडी हो गई है। आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइए। आपने भी जरूर से ट्राई करना है, एकदम सुपर क्रिस्पी और एकदम सुपर टेस्टी बनी है। आपने अगर आप एक बार ट्राई करेंगे तो बस आप बाहर के मसाला से बिल्कुल भी भूल जाएंगे। ये आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं 2 महीने के लिए एयर टाइट कंटेनर में। चलिए आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।